हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस। तो अभी चल रहा है हमारा द करंट अफेयर्स शो। चलिए शो स्टार्ट करने से पहले आज देखते हैं हमारा मोटिवेशनल कोट क्या है। तो आज हमारा मोटिवेशनल कोट है कि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि मैदान में अगर आप हार जाते हो, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हो, आप हार जाते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मन से आपको नहीं हारना है। अगर मन से एक बार आप हार गए तो फिर आपके लिए रास्ते और भी मुश्किल हो जाएंगे। चलिए इसी थॉट के साथ आगे शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत के पर्यटन मंत्रालय ने किस स्थान पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड्स 2019 में टीवी सिनेमा स्पॉट की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जीता, यानी कहाँ पे आयोजित हुआ था अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन गेट सिटी टूरिज्म अवार्ड्स। ठीक है, ये कहाँ आयोजित हुआ था? यह आयोजित हुआ था बर्लिन में, जिसमें भारत के पर्यटन मंत्रालय ने प्रथम स्थान जीता। किस क्षेत्र में? तो टीवी सिनेमा स्पॉट की श्रेणी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन यानी DRDO द्वारा हाल ही में किस स्वदेश निर्मित गाइडेड रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है। यानी DRDO ने 11 मार्च 2019 को स्वदेश निर्मित मल्टी बैरल पिनाक रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। किसका? पिनाक रॉकेट का सफल परीक्षण किया है DRDO ने। अगला क्वेश्चन है, स्वीडन स्थित थिंक टैंक सिप्री द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2014 से 18 के मध्य किस देश ने सबसे अधिक हथियार आयात किए हैं? तो किसने किए हैं? ये किए हैं सऊदी अरब ने 2014 से 18 के बीच। और ये सर्वेक्षण किसके द्वारा किया गया था? सिप्री के द्वारा। सिप्री का फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने एक सर्वेक्षण कराया था जिसमें 14 से 18 के बीच में सबसे अधिक हथियार आयात करने वाला देश सऊदी अरब निकला। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा हाल ही में छत्तीसगढ़ निवासी तथा कला क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए किस शख्सियत को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण सम्मान से किसको सम्मानित किया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा अभी हाल ही में? यह तीजन बाई जो छत्तीसगढ़ की रहने वाली है, इनको अभी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के तहत विश्व बैंक ने भारत के 220 बांधों के लिए कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की है? यानी भारत के टोटल 220 बांधों के पुनर्वास और सुधार के लिए वर्ल्ड बैंक ने कितने रुपये का लोन देने का ऐलान किया है? यह है $137 मिलियन $137 मिलियन। विश्व बैंक बांध पुनर्वास के लिए कितना मिलियन डॉलर दे रहा है? $137 मिलियन लोन। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना ने 11 मार्च 2019 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संयुक्त रूप से बांग्लादेश में कितने परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा 11 मार्च को इन दोनों देशों के बीच संयुक्त रूप से कितने परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया? यह टोटल चार परियोजनाओं का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस देश में साल 2013 में आधिकारिक तौर पर लुप्त घोषित की गई चीते की फॉर्मोशन क्लॉडेड प्रजाति करीब 36 साल बाद देखी गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर्मोशन क्लॉडेड चीता को अभी हाल ही में कहां देखा गया है जिसको 2013 में लुप्त घोषित कर दिया गया था? यह है ताइवान में अभी हाल ही में फॉर्मोशन क्लॉडेड चीता का प्रजाति देखा गया है। अब यहां से यह क्वेश्चन बनता है कि फॉर्मोशन क्लॉडेड किसका एक प्रजाति है, तो यह क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके रेस्पेक्ट में कि कहां अभी देखा गया है। ठीक है, तो फॉर्मोशन क्लॉडेड किसका प्रजाति है? यह है चीता का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2018-19 और वर्ष 19-20 के दौरान अल्पकालिक फसल ऋण को लेकर कितने फीसदी की ब्याज सहायता की संदर्भ में बैंकों के लिए नियमों को अधिसूचित किया है? ये टोटल 2% यानी 2% सब्सिडी जो फसल ऋण को लेकर दिए जाना है उसको लेकर बैंकों को अधिसूचित किया गया है RBI के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कैंसर के इलाज में काम आने वाले कितने गैर अनुसूचित दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य में 87% तक कमी कर दी है? ये टोटल 390
390 गैर अनुसूचित दवाओं के कीमत में अधिकतम 87% तक की कमी कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है कि डेलॉयट की रिपोर्ट भारत में लड़कियों एवं महिलाओं का सशक्तिकरण के अनुसार भारत में महिला श्रम शक्ति की भागीदारी 2005 में 36.7% से गिरकर 2018 में 10% हो गई है, यानी 2005 के रेस्पेक्ट में अगर 2018 को कंपेयर करें तो डेलॉयट की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं और लड़कियों का सशक्तिकरण कितना कम हुआ है। तो 2005 में था 36.7% और 2018 में हो गया है 26%। ये रिपोर्ट जारी किया था डेलॉयट ने। अगला क्वेश्चन है कि रामनाथ कोविंद ने मार्च 2019 को जगदीश मुखी को मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया, वो देश के राज्यपाल का पद भी संभाल रहे हैं, यानी जगदीश मुखी जो अभी मिजोरम के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं टेम्पोरली, अभी वो कहाँ के राज्यपाल और हैं, ये हैं असम के राज्यपाल। अभी आपको पता होगा कि मिजोरम के राज्यपाल कुमन्नम राजशेखरन, ठीक है, के राजशेखरन, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं के राजशेखरन, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद रामनाथ कोविंद के द्वारा किनको नियुक्त किया गया, जगदीश मुखी को, और जगदीश मुखी अभी असम के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस मंदिर के लिए गलियारे और सौंदर्यीकरण का शिलान्यास किया, यानी किस मंदिर के लिए एक गलियारे का शिलान्यास किया और वहां के सौंदर्यीकरण को बढ़ावा देने का एक प्रोग्राम लॉन्च किया, तो वो कौन सा मंदिर है, वो है काशी विश्वनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर है, काशी विश्वनाथ मंदिर। अगला क्वेश्चन है कि 2019 में लॉन्च किए गए जीआईएस आधारित मैपिंग एप्लीकेशन का क्या नाम है, तो जीआईएस आधारित मैपिंग एप्लीकेशन इसका क्या नाम है, इसका नाम है ई धरती। हाल ही में ई धरती ऐप लॉन्च की गई है जो एक नई ऑनलाइन प्रणाली है जहां सभी तीन मुख्य मॉडल यानी परिवर्तन, प्रतिस्थापन और दाखिल खारिज को ऑनलाइन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2019 को सुरेश प्रभु द्वारा जारी पुस्तक का शीर्षक क्या है जो 2018 के दौरान नागरिक उड्डयन क्षेत्र में की गई उपलब्धियों पर प्रकाश डालती है। तो सुरेश प्रभु जो हमारे पहले उड्डयन मंत्री थे, उन्होंने एक पुस्तक जारी किया है, उसका शीर्षक क्या है, जो पिछले दिनों में की गई उड्डयन के क्षेत्र में की गई उपलब्धियों पर प्रकाश डालती है। तो उसका नाम है क्रूजिंग न्यू हाइट्स फ्लाइंग फॉर ऑल, और ये बुक जारी किया गया सुरेश प्रभु के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दीवानी और वाणिज्यिक मामलों में परस्पर कानूनी मदद एमएलएटी क्या होता है, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के लिए भारत और डेस के बीच समझौते को मंजूरी दे दी है। यह है भारत और बेलारूस। तो कौन सा फील्ड है, दीवानी और वाणिज्यिक, ठीक है, दीवानी और वाणिज्यिक मामलों को लेकर एमएलएटी किनके बीच लागू हुआ है, यह हुआ है बेलारूस। एमएलएटी क्या होता है, एमएलएटी होता है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस। अगला क्वेश्चन है कि जारी अधिसूचना के अनुसार सड़क सुरक्षा और दुर्घटना को कम करने हेतु उन्नत ब्रेकिंग सिस्टम यानी एडवांस्ड ब्रेकिंग सिस्टम और प्रौद्योगिकियों को अनिवार्य कर दिया गया है जो डैश सीटों और उससे ऊपर की सीटों के सभी वाहनों पर बाध्यकारी होगा, वह है 9 सीटों, ठीक है। अगर 9 सीट या 9 सीटर से एवं के कोई भी व्हीकल्स है तो उसमें एडवांस्ड ब्रेकिंग सिस्टम लागू होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के साथ भारत ने सड़क आधारभूत संरचना यानी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के फील्ड में भारत और ऑस्ट्रिया के बीच एक समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कैंसर अनुसंधान पहल पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और डेस के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। कैंसर रिसर्च इनिशिएटिव या कैंसर अनुसंधान पहल पर तो भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है, ये हुआ है भारत और ब्रिटेन के बीच। अगला क्वेश्चन और आज के क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूरे देश में बाढ़ प्रबंधन कार्यों के लिए FMBAP को मंजूरी दी है। FMBAP में ए का क्या अर्थ है, ए का अर्थ है एरिया। यहाँ से FMBAP का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। FMBAP का फुल फॉर्म है फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरियाज प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम।
फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरियाज प्रोग्राम। तो यहाँ से एक आपको पूछा गया था, लेकिन आपको पूरा याद रहना चाहिए, फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरियाज प्रोग्राम, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का हमारा टॉप 20 क्वेश्चंस जो हमारे करंट अफेयर सीरीज में आए। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले पार्ट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।